डॉक्टर जीबी सिंह जीबी हॉस्पिटल वालों अपने इलाके निवासियों का चंगी सेहत की कामना करना हाँ। हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ देने लिए है, सब दी हेल्थ की केयर करने लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है। तो मेरे इस गल का माण नहीं है कि असी अपने हॉस्पिटल विच वो सेवा दे के मनुखता की सेवा संभाल विच अपना योगदान पा रहे हैं। उस विच साड़ी कोशिश ये रही है जो पिछले 25 साल तो कि असी सेहत जिहड़ियां फैसिलिटीज़ हैगियां ने उन्होंने असी एक वर्ल्ड लैवल ते उस लैवल ते लैके ही दे सकीए जिथे कि पेशेंट नूं पूरा आराम मिले, अपनी बीमारी तो दूर होए ते उहदी रीहैबिलिटेशन जिहड़ी है वो प्रोपरली हो सके। ते सर सब तो पहले सानू ये दसो कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी है कि ते पहले जिवें ओपन सर्जरीज होंदियां सी की डिफरेंस है? देखो जो टेक्नोलॉजी ने मेरे ख्याल जो है हेल्थ की जो ट्रीटमेंट है उन्होंने एकदम चेंज कर दिता है। पहले कहते थे कि बिग सर्जन मेक बिग इंसीजन्स, वड्डे सर्जन वड्डे चेहरे देंगे ने, पर हुण जो वड्डे सर्जन ने वो छोटे चेहरे नाल जो सर्जरी कर सकते हैं उसनों रिवोल्यूशनाइज करता गया है। पेशेंट आज ऑपरेशन कराता है लैप्रोस्कोपी नाल कल नूं कर जाता है। लैप्रोस्कोपी एक ऐसी जिस तरह असी दूरबीन राही जो ऑपरेशन कहने हैं हर तरह के पेट के ऑपरेशन आज दूरबीन राही हो रहे हैं। पिते का ऑपरेशन होए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होए, हरनिया का ऑपरेशन होए, बच्चेदानी का, बच्चेदानी नाल सुणलियाँ, अंडेदानी सुणलियाँ, इंज कह लो कि जो भी पेट के अंदर जिन्नी भी तकलीफा ने अज लैप्रोस्कोपिकली असी उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि लैप्रोस्कोपी का मतलब है कि असी दूरबीन राही एक वड्डे स्क्रीन के उपर सारा कुछ देखने हाँ तो उसका डिसेक्शन करके प्रोपरली उसकी ट्रीटमेंट करने हैं। जेकर हम पहला गॉलब्लैडर सर्जरी करते थे तो बहुत वड्डा चिर दे के सानू गॉलब्लैडर बाहर कढ़ना पैंदा सी, अज सिर्फ छोटे छोटे तीन होल दे विचों असी वो ऑपरेशन कर लैंदे हैं। एडवांस लैप्रोस्कोपी सर्जरी ने जो है हरनिया जिस तरह एडवांस लैप्रोस्कोपी सर्जरी आ जाती है उस विच किसी किस्म का कोई इन्ने वड्डे चिर की लोड़ नहीं पैंदी, तो पेशेंट अज ऑपरेशन करा के कल नूं घर जांदा है। तो मेरे ख्याल विच जो है जो एडवांटेज लैप्रोस्कोपी ने दी है वो जो है उसनों किसी भी तरीके कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेशेंट की जी जो पेशेंट तो पूछा जाता है कि तुम किस तरह लगे हैं तो पेशेंट जी और जी खुशी चेहरे देख के इन महसूस होता है कि असी वो चीज़ कर सके हाँ जिस पेशेंट खुश है, पेशेंट जल्दी घर जा रहा है, जल्दी काम पर जा रहा है, उन दर्द घट हो रही है। सो एडवांटेज तो डेफिनेटली इस तरह हुई हैं। तो सर जेकर गल करिए आप से आप जो तुसी टीचा लेके चले सीगे कि शहर निवासियों की सेवा की जाए कितों तक संभव पॉसिबल हो सके? मैं यह जान के दस की खुशी भी होंगी है कि लोगों ने बहुत प्यार दिता है तो उसका महसूस भी करते हो कि जो तुम विचर रहे हो तो जो एक पेशेंट ठीक होकर जाता है बाकी जाके दसदा सबनों और जी फीडबैक है वो एक सैटिस्फैक्शन देती है कि असी जो लर्न किया है उसका फायदा पेशेंट दे सके। तो मैं महसूस भी होंगे कि इस जी टेक्नीक ने जो रिवोल्यूशनाइज किया है उसका बेनीफिट डेफिनेटली सबनों मिले है। जो भी इलाका जो साढ़े जो फगवाड़े के नाल जो पिंड ने जो फगवाड़े जो सारा जिन्हें भी पेशेंट साढ़े को आते हैं उनकी पॉजिटिव वाइब सानू को मिलती ने तो सानू अच्छा लगता है कि जो जो चीज़ असी विद्या विचार के कहते ना विद्या विचारी तो परोपकारी असी लर्न किए विद्या असी प्रैक्टिकल शेप दे के किसी जीवन में बदल सकते हैं तो उस अपने आप में एक बड़ा अच्छा लगता है। तो यह डेफिनेटली जो है लैप्रोस्कोपी सर्जरी ने लोगों की जिंदगी जो हेल्थ में बड़े अच्छी तरह संवार है होर बैटर किया है। तो सर लोगों का यह कहना कि रात को किसी कोई प्रॉब्लम आती है 24 hours फैसिलिटी तुसी इत्थे उपलब्ध है, तुसी भी रात में कोई पेशेंट आ जाए उन्हें तुसी आप हैंडल करते हो वो बारे की? हाँ देखो वैसे तो यह होंगे कि बंदा 24 घंटे काम तो नहीं कर सकता, पर टीम वर्क होंगे जिथे
ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਓਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਰਾਤੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਨੀਂਦ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਲਾਈਵਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਕਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਰਤਾ ਆਪ ਖਲੋਵਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਸਰ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਓਰ। ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਮਿਨਰਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3rd ਥਿੰਗ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ।